मुसलमानों का कदीम तरीन एक जमाने से ये तरीका रहा है कि वो 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तौला अन्हु की फातिहा करते हैं, जिसे हम कुंडे की नियाज कहते हैं। जब भी माहे रजब का चांद नजर आता है तो हम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए कुंडे की नियाज करते हैं। अक्सर लोग 22 रजब यानी माहे रजब की 22 तारीख को कुंडे की नियाज करते हैं और कहते हैं कि उस दिन इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ था, मगर यह गलत है। हकीकत यह है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल तो माहे रजब की 15 तारीख को हुआ था, ना कि 22 तारीख को। तो लोग 22 तारीख को कुंडे की नियाज क्यों कराते हैं? आखिर 22 रजब को ऐसा क्या हुआ था कि अवाम उस दिन को ईद की तरह सेलिब्रेट करने लगी? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? कुंडे की नियाज की शुरुआत कहां से हुई और ये नियाज आम अवाम तक कैसे पहुंची? बहरहाल इसकी शराए हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। 22 रजब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम कुंडे की नियाज या कुंडे की ईद के नाम से जानते हैं। आइए अब गौर करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। क्या वक्त में शरीयत इस्लामिया में कुंडे की किसी ईद का तस्किरा पाया जाता है? 22 रजब को एक शख्स का इंतकाल होता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना खा रहे थे कि इतने में उनकी गुलाम बांदी खबर लेकर आती है। वो खबर सुनकर आप खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर ये थी कि सहाबी ए रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है। इस दिन रजब की 22 तारीख थी। आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत थे जिन्होंने मुनाफिकों और खारजियों पर लोहे का हाथ रखा था। आपके दौरे हुकूमत में ये लोग बेबस हो गए थे। इनकी हर मुनाफिकाना हरकतों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, इन मुनाफिकों और खारजियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि अब हमारा दुश्मन मर गया है, और खुशी तो मनानी है, लेकिन अब खुशी मनाए तो कैसे मनाए? अगर खुशियां मनाएंगे तो हुकूमत को पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि वक्त के खलीफा का इंतकाल हो गया है और कोई खुशियां मनाए तो उसके मुनाफिक होने में कोई शुभा नहीं, लिहाजा तय हुआ कि खुशियां छिपकर मनाई जाएंगी। पहले मुनाफिक और खारजी अपने अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, पर्दे की आड़ में आम बर्तनों के बजाय मिट्टी के बर्तनों में मिठाई बनाओ और वही खाओ, वही हाथ धो लो और बच्चा कुचा खाना वही दफना दो, ताकि बाहर मुसलमानों को पता न चले कि अंदर अमीर मुआविया के इंतकाल की खुशियां मनाई जा रही हैं। इस तरह ये लोग रजब की 22 तारीख के दिन को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल की खुशी में ईद की तरह मनाने लगे। ये चलन काफी जमाने तक खारजी चलाते रहे। उसके बाद सुन्नियों को यह कहकर इसमें शामिल कर लिया कि ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नियाज का दिन है, और इस तरह सुन्नी भी रजब की 22 तारीख को ही कुंडे की नियाज करने लगे। अब सुन्नियों को 22 रजब की हकीकत जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हजरत इमाम जाफर सादिक हजरत इमाम मोहम्मद बिन बाकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बड़े साहबजादे हैं। आपका नाम मुबारक जाफर है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है और लकब सादिक फाजिल और ताहिर है। सैयदना इमाम हुसैन के बेटे सैयदना इमाम जैनुल आबेदीन आपके दादा हैं। सुन्नियों के इमाम ए आजम बड़े इमाम सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके खास शागिर्द हैं। मदीना तैयबा के मुकद्दस कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आपके वालिद के पहलू में आपका मजार शरीफ है। आप मदीना शरीफ में अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहदे सल्तनत में रबी उल अव्वल के मुकद्दस महीने में पैदा हुए और अबू जाफर मंसूर इबनुल अब्बास असफ़ाह के सल्तनत में इस्लामी साल 148 हिजरी के सातवें महीने रजब शरीफ की 15 तारीख को सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। इसी के ताल्लुक से एक मर्तबा का वाक्या है कि एक रात खलीफा मंसूर ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत इमाम जाफर सादिक को बुला कर लाओ ताकि मैं उनको कत्ल कर सकूं। वजीर ने कहा कि क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो गोसे में बैठे हैं और इबादत में मशगूल है और दुनिया से कनारा किए हुए हैं?
आखिर खलीफा मंसूर जब बहुत बरहम हुआ तो वजीर आपको बुलाने के लिए चला गया। खलीफा मंसूर ने गुलामों को समझा दिया कि जब इमाम जाफर सादिक आए और मैं अपने सर से ताज उतार दूं, तभी तुम इमाम जाफर सादिक को शहीद कर देना। लेकिन जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो उस वक्त का नजारा बिल्कुल अलग था। मंसूर उठकर खड़ा हो गया और आपका इस्तकबाल किया, आपको अपने मकामे सदर पर बैठाया और खुद आजिजाना तौर पर आपके सामने बैठ गया। यह देखकर उसके गुलामों को बहुत हैरत हुई। मंसूर ने आपसे कहा, आप क्या हाजत रखते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, यही कि तू दोबारा अपने दरबार में मुझे ना बुलाना। खलीफा मंसूर ने इजाजत दी और इज्जत और एहतराम के साथ आपको रुखसत किया। आपके तशरीफ ले जाने के बाद खलीफा मंसूर कांप रहा था और उसके बाद बेहोश हो गया और काफी देर तक बेहोश रहा। और जब उसे होश आया और उससे पूछा गया कि माजरा क्या है, तो उसने कहा, जब हजरत इमाम जाफर सादिक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो मैंने देखा कि एक बड़ा अजदहा उनके साथ है, जिसका एक लब चबूतरे के नीचे और दूसरा लब ऊपर था और ज़बाने हाल से कह रहा था कि अगर तूने इमाम को कोई नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुझको तेरे चबूतरे के साथ निगल जाऊंगा, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। अल्लाहु अकबर। ये है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की शान। अब हम बात ये करते हैं कि कुंडे की नियाज कराना कैसा है। तो आपको बता दें कि 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की ना तारीख विलादत है ना तारीख वफात, तो फातिहा दिलाना भी दुरुस्त नहीं। इसलिए अहले बैत के गुलाम उन लोगों के बहकावे में ना आए और मुकर्रा तारीखों पर इसाले सवाब और फातिहा ख्वानी करते रहे। और जहां तक नज़्र व नियाज का मसला है, आप किसी भी तारीख में कर सकते हैं। और जिस तारीख में यानी 15 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ, उसी तारीख में आप इसाले सवाब करें। वैसे तो पूरा महीना ही आप इसाले सवाब की गर्ज से फातिहा ख्वानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला हमारी नियतों को देखता है और उसी हिसाब से हमें अज्र मिलता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फातिहा करने से बहुत सी आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के जायज मकसद को हुजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदके में पूरा फरमाए। आमीन।